हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और काफ़ी दिनों से एक मैसेज मेरे पास रेगुलरली आ रहा है कि सर, CBSE का जो सिलेबस है वो 50% रिड्यूस हो गया है क्या। कुछ बच्चों का मैसेज ये आया था कि सर 70% रिड्यूस हो गया है क्या, क्योंकि कहीं कुछ अपडेट मिल रहा है, कहीं कुछ अपडेट मिल रहा है। और जैसा कि बच्चों को मालूम हो कि जब आपका लॉकडाउन था उस वक्त मैंने आपको CBSE की सारी रेगुलर अपडेट दिया था, तो ये भी मेरा वर्क बनता है कि चलो मैं बताऊं बच्चों को। CBSE के तरफ से जो दो अपडेट हैं वो अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि आने वाले, सबसे पहली बात, विद इन 15 नवंबर से पहले आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो CBSE का सिलेबस है। अभी आपको मालूम है CBSE ने अपना सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है ऑलरेडी। अब CBSE इस 30 को 20% और करके टोटल 50% रिड्यूस करने की सोच रहा है। अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 70% चांसेस बन रहे हैं कि ऐसे होने की संभावना है। इस पर जो ऑफिशियल अपडेट है वो 15 नवंबर से पहले आपके पास आ जाएगा। दूसरी चीज, चांसेस ये भी बन रहे हैं आपके कि जो आपके एग्जामिनेशन है वो मे भी अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं, यानी कि 40 से 50 डेज लेट एग्जामिनेशन होने की आपकी संभावना है ना। तो ये दो अपडेट है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई, छोटी सी समझाने के लिए मैंने बनाई है, तो ये आपके लिए अपडेट है। और छोटा सा अपडेट ये भी है कि आपको मालूम होगा बेटा, इस साल मैंने एक टॉपर्स बैच स्टार्ट किया है क्लास 12 तो क्लास 11 के लिए, है ना। उस टॉपर्स बैच को कोई भी अगर बच्चा ज्वाइन करना चाहे, एनरोल करना चाहे, तो बेटा कर सकते हैं। फीस उसकी वन टाइम में काफी सारी फैसिलिटी मिल रही है उनको। जो भी क्लासेज आपकी निकल गई है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।